जी नमस्कार। हम मतलब पहले लखनऊ में रहते थे और डॉक्टर साहब से पहले भी दवा हम ले चुके हैं। छोटा भाई का कान में प्रॉब्लम था, कान बहता था और वो बदबू जैसा होता था। तो हम यहाँ मतलब डॉक्टर साहब एक मतलब रेडियो जो चैनल होता है ना, उस पर वो दे रहे थे, हम सुन रहे थे, उसी में मतलब हमको पता चला और फिर यहाँ नखास क्लिनिक पर हम आए और दवा लिए। हालांकि हम बिहार में उसको पहले से भी दिखा रहे थे कान के डॉक्टर से, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो हमको लगा कि एक बार यहाँ भी दिखा लें, तो हमने आए हम और डॉक्टर साहब को सारी बात बताएं और डॉक्टर साहब बोले कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, दवा आप ले जाइए और चलाइए। मेरा हमारा भरोसा है कि मतलब आपका जो भाई का प्रॉब्लम है कान का, वो सही हो जाएगा। तो हमने दवा यहाँ से कुरियर से भेज दिए और दवा खाया और आज के डेट में मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रहा है, जैसा कि प्राकृतिक मतलब की तरह जैसे बनाया है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है आज तक, आज के समय में। और इसी भरोसे से हम आज फिर बिहार से सुबह के निकले हुए हैं और श्रमजीवी पकड़े हैं और 8:05 में 4 बाग रेलवे स्टेशन उतारे है गाड़ी। उसके बाद डायरेक्ट हमने डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर साहब बोले कि हाँ ठीक है, 9:30 बजे तक क्लिनिक खुला रहती है, आप आ जाइए। हम वहाँ से डायरेक्ट रिजर्व करके रिक्शा से यहाँ आएँ और डॉक्टर साहब से मिलें और सारी प्रॉब्लम बताएँ। मम्मी का थोड़ा उस चेहरा में धब्बा टाइप पर हो गया है, उसी के लिए हम स्पेशल बिहार से आए हैं और दवा लेने के लिए, और हमने दवा ले लिया। और फिर अब सुबह में अभी पता करते हैं, कोई गाड़ी हो तो अभी निकल जाएंगे, नहीं तो सुबह में कोई गाड़ी से हम फिर बिहार वापस चले जाएंगे।